press the bell icon on the YouTube app and never. संजीदा है नाजिया, बच्चों से जुड़ा हुआ है और हम अक्सर, क्योंकि हम दोनों ही जो मुसलमान महिलाएं हैं उनके अधिकारों के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की वीडियो सब कॉन्टिनेंट से सामने आई हैं जिस पर मुझे लगा कि हम लोगों को बात करनी चाहिए। एक वीडियो अफगानिस्तान से और एक है पाकिस्तान से, जहां पर एक बाप ने अपनी बेटी को दफना दिया और एक बाप ने अपनी बेटी को बेच दिया। दोनों ही वो मासूम बच्चे हैं। एक एक करके वीडियो देखेंगे, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। بخاطر چی میفروش پدر مادر تو؟ بخاطر برنج رو خان آورده هستم. اولی میخوای که خود پدر مادر باشی، چقدر پدر مادر دوست داری؟ فلان سکر بیم میخوای خود پدر مادر باشی؟ کس دیگر خوش نظرم چیست؟ من خودم نامم موجوده از عروس بلیش که بیجه هستم مقصد کاربر ما قبلا هم تو کشاورزی بودم، کشاورزی کار میکردیم، من تو روزگار ما کشاورزی دیخانی داشتیم دیگه، هم تو بیامده که از قرضدار افکار هم تو تکه تکه شدیم آخر هم تو یک دیکن دار. کو جین دوستوں، آپ سبی کا ہاردک سوگت ہے انڈیاز بھارت پہ۔ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھے ہوگے۔ تو آج کے لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بھارت کے دو بہادر اور سشکت بیٹیوں کو، ایک طرف آپ دیکھیں گے مشہور پترکار امبر زیدی جی کو، جن کی اسپیشل گیسٹ ہوں گی سپریم کورٹ کی دبنگ وکیل اور ہم سب کی چہیتی نازیہ لائی خان جی۔ تو یہ ویڈیو काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुसलमान मर्द सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड तो होते हैं, ये तो वो भी मान चुके हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पोर्न मूवी देखी जाती है और आज भी पाकिस्तान के बंगलों में अंबर नीचे में कोठा और तवायफ खाना बनता है। बाकी मुस्लिम देशों का हम देख ही रहे हैं कि मुसलमान बेटियों के क्या हालात हैं। टूरिज्म में मुस्लिम्स आगे, रेप में मुस्लिम्स आगे, कोकीन ड्रग्स गांजा के केस में मुस्लिम आगे, टेररिज्म एक्टिविटीज में मुस्लिम आगे, उसके बाद असलाह बम बारूद में मुस्लिम आगे, अरबी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम सेना के नाम रख रख करके बड़े बड़े टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मुसलमान आगे। तो हम कैसे अपेक्षाएं रख सकते हैं अंबर के मुसलमान कोई अच्छा काम, या मुसलमान जो दो वीडियोस आपने दिल दहलाने वाले दिखाए और मेरी आंखों में और आंसू आ गए, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे कोई बाप जिस बाप के, जिस पिता पर हम गर्व महसूस करते हैं, चारों तरफ से हम डरे हुए घर आते हैं और घर में सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, वही अब्बू जान जब बेचते हैं मुसलमान बेटियों को, तो कैसा दिल मचोड़ता है। कैसे विश्वास करें मुसलमान महिलाओं ने, खवातीनों ने, अगर सही अल बुखारी की हदीस पढ़ी हो। बहुत संजीदा है नाजिया, बच्चों से जुड़ा हुआ है और हम अक्सर, क्योंकि हम दोनों ही जो मुसलमान महिलाएं हैं उनके अधिकारों के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की वीडियो सब कॉन्टिनेंट से सामने आई हैं जिस पर मुझे लगा कि हम लोगों को बात करनी चाहिए। एक वीडियो अफगानिस्तान से और एक है पाकिस्तान से, जहां पर एक बाप ने अपनी बेटी को दफना दिया और एक बाप ने अपनी बेटी को बेच दिया। दोनों ही वो मासूम बच्चे हैं। एक एक करके वीडियो देखेंगे, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। بخاطر برنج رو خان آورده هستم. اولی میخوای که خود پدر مادر باشی، چقدر پدر مادر دوست داری؟ فلان سکر بیم میخوای خود پدر مادر باشی؟ کس دیگر خوش نظرم چیست؟ من خودم نامم موجوده از عروس بلیش که بیجه هستم مقصد کاربر ما قبلا هم تو کشاورزی بودم، کشاورزی کار میکردیم، من تو روزگار ما کشاورزی دیخانی داشتیم دیگه، هم تو بیامده که از قرضدار افکار هم تو تکه تکه شدیم آخر، هم تو یک دیکن دارو یک لک یک نیم لک دو لک قرضدار شدیم آخر، خیلی تنگ میدیم سیار عذاب ما کردن قرضدارو، مقصد عذاب ما که بکردن آخر ما گفتیم ما چیزی نداریم، همین دخترامو رو بفروش میندازیم بگیریم، مقصد یک قرض تو یک لیتونم دارم 9 ساله گفتم با دو لک میتونیم یک قرض یک زیبون نمدار چهار ساله ای که تو میره به یک لد مقصد اقدار حضور ما ندی یعنی تو کاروی به سر ما بیامد این مشکلات ما اینه میگی مقصد یعنی
ये वीडियो अफगानिस्तान से है और एक वीडियो जो पाकिस्तान से भी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। शहरों फिरोज में अफसोसनाक वाकये ने दिल दहला दिए। इलाज के पैसे ना होने पर बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। बच्ची को पड़ोसियों ने भी रखने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने कब्र कुशाई के बाद बच्ची की मैयत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम तैयब ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। नाज़रीन ये वीडियो आपने देखी, एक अफगानिस्तान से और एक पाकिस्तान से। दोनों ही मुल्क ऐसे हैं जहां पर मुसलमान रहते हैं, इस्लाम के मानने वाले रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान को लेकर हम लोगों का स्टांस है, हम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो वीडियोज आई है, खासतौर से जो 15 दिन की बच्ची को दफनाया गया और पड़ोसियों ने भी मदद नहीं की, बच्ची बीमार थी और उसके बाप ने ये एतराफ भी कर लिया कि हाँ मैं मुजरिम हूँ। और आपने अफगानिस्तान का भी देखा कि उसने अपनी बच्चियों को बेच दिया क्योंकि वो कर्ज में था। किस तरह से देखती हैं इस वीडियो को, क्योंकि हम एक दूसरी तरफ जब भी हम इस तरह की बातों पे, ये तो बहुत बहुत बुरी बात है, उसके अलावा भी हम जनरल राइट्स की बात करते हैं तब भी कहा जाता है कि हम ये देते हैं वो देते हैं, सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, अहमियत मिलती है, ये वीडियो क्या दर्शाती है? अंबर, आप भी मुस्लिम हैं, मैं भी मुस्लिम हूँ, मैंने भी अल-कुरान पढ़ा है और आपने भी अल-कुरान पढ़ा है, और लिखने वाले ने बहिश्ती जेवर में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का जो अंत किया है, जो दफनाया है बहिश्ती जेवर के अंदर के किताब में, वो ऐसे सिनारियो को बहुत शॉकिंग तो नहीं करता है जिस भी मुसलमान महिलाओं ने बहिश्ती जेवर पढ़ी होगी, जिस भी मुसलमान महिलाओं ने, खवातीनों ने अगर सही अल बुखारी की हदीस पढ़ी होगी। हमारे अल कुरान में भी लौंडिया बांदियों का जिक्र है, हमारे अल कुरान में भी अगर सूरह मरियम पढ़ा जाए और सूरह मरियम की कई कई वर्सेस हैं जिसको अगर बखूबी बहुत गौर से पढ़ा जाए तो समझ में आता है कि किस तरह से बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के प्रेगनेंसी पर ये सारे मुसलमानों ने उनको, उनके कैरेक्टर एसेसिनेशन किया था, उनको डिफेम किया था, उनको मलाइन किया था। सूरह मरियम के वर्सेस को अगर हम पढ़ें तो पता चलेगा कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जब प्रेग्नेंट हुई थी और अल्लाह के करिश्मे से वो प्रेग्नेंट हुई थी तो उस वक्त उनके ऊपर पत्थर मारे जाते थे, उनके कैरेक्टर को एसेसिनेट किया जाता था, उनको बेघर किया गया था और कहीं दूर जाकर के उन्होंने अपना बच्चा जन्म दिया था। और जब वो वापस अपने अपने काफिले में, अपने किले में वापस आई थी तब भी उनके कैरेक्टर को जिस हिसाब से मलाइन किया गया था उस जमाने में, वो शायद हम अपनी शब्दों से बयान नहीं कर सकते। आंखों से आंसू निकल जाता है जब भी हम सूरह मरियम को बामाइने पढ़ते हैं तब। अब हम सूरह मरियम को वो लोग अरबी में पढ़े जो अरबी समझना ही नहीं चाहते हैं या समझते नहीं हैं, उनको वो दर्द वो पीड़ा समझ में नहीं आएगी। या जिलबाब का जिक्र कब आया सूरह नूर में, जिलबाब का जिक्र क्यों आया, किस सर्कमस्टांसेस में आया, कैसे कैसे हादसात हो रहे थे, कैसे इंसिडेंट हो रहे थे और मुस्लिम महिलाओं पर, उसके बाद अगर आप सूरह अल-नूर को अगर आप पढ़े तो समझ में आएगा कि क्यों लूजर आउटफिट पहनने को बोला गया। जो भी चाहता था वो मिस्र की और अरब की लड़कियों के जिस्म को जहां से चाहता था वहां से मसलता था और पकड़ता था, तब जा करके अल्लाह के फरिश्ते ने ये पैगाम भेजा अपने प्रॉफिट को कि औरतों को कहें कि वो लूजर आउटफिट पहने और अपना शक्ल ढक ले ताकि जो कोई भी मर्द है और वो गलत तरीके से मुस्लिम खवातीन को टच करे या उनको पकड़े धकड़े तो उनको एक आशंका दिमाग में रह जाए कि कहीं ये पर्दे में मेरी बहन तो नहीं है, कहीं ये मेरी माँ तो नहीं है। तब जाकर के सूरह अल-नूर के पूरे सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं और लूजर आउटफिट और चेहरे को ढकने की बात आई। अभी देखिए मैं आपको मात्र 5 या 6 दिन पहले की बात बता रही हूँ, पाकिस्तान हाई कमीशन जो हमारी दिल्ली में है उसमें एक हिंदुस्तानी महिला वहां पर मेड का काम करती थी और साद अहमद ने उनका मलिस्टेशन कर दिया। ये दिल्ली में, ये पाकिस्तान हाई कमीशन बकरीद वाले दिन ये हुआ है। अब अभी आप देखिए, अगर हम मैंने आपको अल कुरान का भी बताया, पाकिस्तान हाई कमीशन जो भारत में है मैंने उसका भी बताया, अब मैं आपको हमारे मुगलिया सल्तनत के जलवा जलाल के बारे में भी थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगी बात। जिस ताजमहल को एक साक्षी मान करके या उसको एक बहुत बड़ा दर्जा दे करके सारे कपल्स जाते हैं, जाकर के वहां पर हनीमून मनाते हैं और सारे धर्मों के लोग जाते हैं और उसको मोहब्बत की निशानी कही जाती है,
मुमताज शाहजहां की चौथी बीवी थी, सात बीवियों में से चौथी बीवी थी। शाहजहां ने मुमताज के पहले हस्बैंड का शौहर का खाविंद का कत्ल किया था, क्योंकि मुमताज की खूबसूरती उनको बहुत प्रभावित कर गई थी और वो इतने ज्यादा बावले हो चुके थे शाहजहां कि वो ना आओ देखे ना ताओ उनके पहले शौहर को उन्होंने कत्ल किया और अपने से निकाह पढ़वा लिया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा कैसे नाजिया खान जी ने न सिर्फ मजहब के ठेकेदारों की सच्चाई बताई बल्कि ये जो शांति दूत है इनकी जो हरकतें हैं इनको भी एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।